हम लोग वन वाला पढ़ाई कर रहे थे, हमारे द्वितीय पाठ। आज हम वन वाला में क्या सीखे? हम पिछले क्लास में वन वाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम शब्द उच्चारण सीखेंगे, ठीक है? उसके साथ साथ में उसका अर्थ देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। तो देखो, अ से अनलह, अ से अनलह। तो अनलह का अर्थ क्या है? आग। क्या है आग? हम हिंदी में जिसको आग कहते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अनलह। आ से आनयनम, आ से आननम। आननम का अर्थ क्या है? चेहरा या मुंह। हम कहते हैं ना चेहरा, हिंदी में क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं, मुंह कहते हैं, मुख कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? आननम। क्या कहते हैं? आननम। तो अ से अनलह, आ से आननम। फिर ई से देखो, ई से इनह, ई से इनह। इनह का अर्थ क्या है? सूरज, सन। सु, सु, क्या है? सूरज या सन। सूरज को हम हिंदी में जिसको सूरज कहते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इनह, ई से इनह। देखो दीर्घ ई से क्या है? दीर्घ ई से ईशह। क्या है? ईशह। तो ईशह का अर्थ क्या है? ईश्वरः। क्या है? ईश्वरः। ईशह, ईश्वरः। फिर एक बार मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग देखो और मेरे साथ साथ रीड करो। अ से अनलह, अ से अनलह। आ से आननम, आ से आननम। अनलह का अर्थ है आग और आननम का अर्थ क्या है? चेहरा या मुंह। ई से इनह, ई से इनह। दीर्घ ई से ईशह, दीर्घ ई से ईशह। इनह उसका अर्थ क्या है? सूरज। ईशह इसका अर्थ क्या है? ईश्वरः। ठीक है बच्चों, आज हम कितना शब्द सीखे? 1 2 3 4। आज हम चार शब्द सीखे। कितना शब्द सीखे? चार शब्द सीखे। क्या क्या सीखे? अ से अनलह, आ से अननम, ई से इनह, ई से ईशह। ठीक है, आज हम चार शब्द सीखे हैं। ये चार शब्द को आप लोग याद करो, अच्छी तरह से उसको रीड करो और उसका अर्थ देखो। ठीक है, इसका अर्थ भी याद रखना है और इसको रीड करना है।